सो यू फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर गेमिंग चैनल रॉक गेमर्स। तो मेरे भाई, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे फ्री फायर मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट्स के बारे में कि गाइज आज आपको कितने मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट्स देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ मैं गाइज आपको सारे इवेंट की डिटेल्स देने वाला हूँ जो कि गाइज आज आपको देखने को मिले। सब कुछ आज की वीडियो में आपको कवर करके बता दूंगा आपको क्या क्या करना होगा। तो गाइज आज की वीडियो आप लोग जरूर से लास्ट तक वॉच करते रहना, क्योंकि आज की वीडियो में सब कुछ के बारे में डिटेल्स दूंगा जो कि थर्ड एनालिसिस से रिलेटेड। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए, और चैनल पर नया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो गाइज जैसे कि आप लोगों को पता है, आज है 23 एंड गाइज आज है हाईलाइटेड डे फ्री फायर थर्ड एनिवर्सरी इवेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे आज आपको मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट कितने देखने को मिलने वाले, पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे गाइज आप लोग देख लो, यहाँ पे जो मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट है एंड गाइज ये आपको देखने को मिलेगा आज के दिन। तो अभी आपको कैसे देखने को मिलेगा, कितने देखने को मिलेगा, अब वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आपको देखने को मिलने वाला है हर मैच, मतलब कि जब आप मैच खेलते हो तो हर मैच के बाद आपको एक रिवॉर्ड सेक्शन आता है जहाँ पे आपको रिवॉर्ड देखने को मिलते हैं, एक्सपीरियंस देखने को मिलता है जितना आपने क्लेम किया होगा। तो उसी टाइप से यहाँ पे मैच ड्रॉप की तरह आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कि जब आप मैच खेलोगे तो आफ्टर मैच आपको ये देखने को मिल जाएगा। और गाइज यहाँ पे जहाँ तक मेरे को पता है अभी तक कि आपको एक बार में पांच एक मैच में देखने को मिल रहा है, ठीक है, पांच तक देखने को मिल जा रहा है। बाकी गाइज मैं आपको बता दूं आज आप टोटल कितना क्लेम कर सकते हो। तो गाइज आप टोटल मैच खेल के यहाँ पे क्लेम करोगे पाओगे सिर्फ और सिर्फ 50, ठीक है। 50 ज़्यादा गाइज नहीं क्लेम कर सकते हो, देखो मैं आपको साफ बात बता देता हूँ, ठीक है। बस यहाँ पे 50 आप क्लेम कर सकते हो, क्योंकि गाइज यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे उस गैरिना वाले लिमिट ले रखी है, ठीक है, यहाँ पे उससे ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे बस 50 क्लेम कर सकते हो, बाकी उससे ज़्यादा क्लेम करने की कोशिश करोगे तो गाइज अगर आप क्लेम कर भी पाते हो तो बाद में वो चीज़ें रिमूव कर दी जाती हैं, ठीक है। इसके पहले ऐसा बग हो चुका है कि आप लोग ज़्यादा क्लेम कर लिए थे तो गाइज उसको रिमूव कर दिया गया था, आपका मैजिक क्यूब रिटर्न ले लिया गया था। तो आज के दिन बस लिमिट रखी गई है 50 का, आप उससे ज़्यादा कलेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैजिक क्यूब के बारे में बता दिया है, एंड आप इसको कैसे क्लेम करना, मतलब कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको समझा दिया हूँ। अब एक और चीज बता दूं, बहुत लोग पूछेंगे कि यहाँ पे आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में मिलेगा, ये सब फालतू क्वेश्चन मत पूछना, कस्टम रूम में मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता यार, कस्टम रूम और ट्रेनिंग ग्राउंड में बिल्कुल से नहीं मिलता है। बाकी क्लैश स्क्वाड खेलो, कोई भी रैंक मैच खेलो, ठीक है, ये सब खेलो, क्लासिक खेलो, तो गाइस आपको देखने को मिल जाएगा ये जो हमारा मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट है, ठीक है। हर मैच के बाद आपको मैच ड्रॉप देखने को मिल जाएगा आफ्टर मैच ड्रॉप, ठीक है। तो गाइस बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला ये जो डेड बॉक्स है, ठीक है, तो ये लूट बॉक्स जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपको कैसे देखने को मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल से आपको गाइस यहाँ पे क्लेम करना है डेली, यहाँ पे अभी आपको लॉगिन करना है आज से 6 दिन बाद। तो यहाँ पे लॉगिन करते जाओगे तो यहाँ पे आपको कुछ गन के स्किन्स एंड यहाँ पे वेपन और वाउचर एंड गाइस ये आपको देखने को मिल रहा है लूट बॉक्स, ठीक है। तो ये परमानेंट भी होने वाला है एंड 6 दिन लॉगिन करके आप इसे क्लेम कर पाओगे। अब यहाँ पे इस पर बढ़ते हैं एंड यहाँ पे कुछ खास नहीं है, इसमें भी नहीं है एंड इसमें भी नहीं है, ठीक है। ये जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी वीडियो बना बना के, तो अब इसको बताने वाली बात नहीं है इसमें। एंड गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूँ करेक्टर क्लेम के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ अब आपका एक और जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे वो लेके आ रहे थे आदम को लेके, ठीक है, कि यहाँ पे आदम को भी ऐड किया था पर मैंने उसके ऊपर वीडियो नहीं बताया था क्योंकि मेरे को पता था ये सब फिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो आदम यहाँ पे था एंड उसको रिमूव करके यहाँ पे विकॉन्ग कर दिया गया, वो छोटा सा एक बग था जो कि आपको देखने को मिला था, बग इस समय यहाँ पे सही कर दिया गया, ठीक है। तो गाइस आप ऐसे जाके विकॉन्ग भी परचेज कर सकते हो, अगर आपका मन हो सिंपल जाके आप विकॉन्ग परचेज कर लेना है, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, उसको सिंपल टिक करके आपको ऐसे कुछ क्लेम कर लेना होगा, तो देख लो उस टाइप से आपको क्लेम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो अब ये क्लेम हो चुका है, तो सिंपल से आपको ऐसे क्लेम कर लेना होगा, ठीक है। और अगर आप एक बार में बस एक ही करेक्टर ले सकते हो, ये मत सोचना कि दो तीन ले पाओगे, सिर्फ इनमें से कोई एक आप कलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे अवेकिंग चार्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे विकिंग शार्ट कलेक्ट करना बहुत ही काफ़ी ज़्यादा सिंपल है गाइज। यहाँ पे आप कैसे कलेक्ट कर सकते हो मैं आपको समझा देता हूँ। सिंपल सा गाइज, आपको कोई भी जाके गेम खेलना होगा, ठीक है, वहाँ पे जब गेम खेल के आओगे रैंक मैच क्लासिक या कुछ भी आप खेलो क्लैश स्क्वाड, तो बस आपको एक मैच प्ले करना है सिंपल से एंड गाइज उसके बाद यहाँ पे आपको क्लेम का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल से आप इसे क्लेम कर लोगे। अब गाइज विकिंग शार्ट का यूज़ क्या होता है वो मैं आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा अगर आपके नीचे कमेंट्स है, ठीक है। तो ये कुछ मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये कुछ करेक्टर को अवेकन करने के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी मैंने पुरानी वीडियो बना के रखी थी बट वो डिलीट है इस समय। तो गाइज अगर आपको इसके वीडियो चाहिए फुल डिटेल्स में, आप इसको कैसे यूज कर सकते हो तो गाइस आप कमेंट कर सकते हो मेरे, ठीक है, नीचे। और यहाँ पे ये सब मैंने क्लेम नहीं किया अभी तक, ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो बस यहाँ पे यही सब था थर्ड एनिवर्सरी इवेंट में, और कुछ ज्यादा खास आया नहीं है। बाकी बात कर ले माइलस्टोन इवेंट के बारे में, तो यहाँ पे देख लो आप लोग ये सब कंप्लीट हो चुका है एंड गाइस यहाँ पे आप इसको क्लेम कर लो जल्दी से जाकर, ठीक है। क्लेम वॉल पे अगर आप क्लिक कर दोगे, ठीक है, यहाँ पे क्लेम वॉल सिंबल क्लिक कर दोगे तो गाइस देखो यहाँ पे सब आपका क्लेम हो जाएगा एक बार में, आपको एक एक करके कोई क्लेम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो गाइस देख लो मैंने सब क्लेम कर लिया है एंड आप भी सिंपल से सब रिवॉर्ड्स क्लेम कर देना, फ्री के है, ठीक है, छोड़ना बिल्कुल से मत। तो यहाँ पे देख लो आपको बैट की स्क्रीन भी देखने में मिल गई है एंड गाइस यहाँ पे आप इस टाइप से क्लेम कर लो इसको जाके। तो यार बस आज कुछ खास तो था नहीं इस इवेंट में बताने के लिए, कुछ गैरिना वाले ने थर्ड एनिवर्सरी इवेंट में कुछ ज़्यादा खास दिया नहीं, बस मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट थोड़े अच्छे लगे मेरे को, जो देने को मिल रहे हैं वो भी 100 नहीं दे रहा है, बस 50 ही दे रहा है एंड बाकी कुछ भी खास नहीं मिला आज थर्ड एनिवर्सरी इवेंट में। यार आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताया, मेरे को कुछ भी खास नहीं लगा थर्ड एनिवर्सरी इवेंट में एंड आप बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में आपका क्या ख्याल है इसके बारे में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, आई होप आपके सारे डाउट्स एंड जो भी क्यूरीज होंगे आज की वीडियो मैंने क्लियर कर दूंगी। अगर और कुछ पूछना तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो सिंपल से मेरे से, और बाकी अगर आपको वीडियो हमारी हेल्पफुल लगी हो और अच्छी लगी हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारा बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट करना अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो, ठीक है, और वीडियो को जरूर से लाइक करके जाना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।